पंचकुला के एमडीसी स्थित शक्तिपीठ माता मनसा देवी मंदिर में आश्विन नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आश्विन नवरात्र पर शक्तिपीठ माता मनसा देवी मंदिर के दरबार में दूर दूर से श्रद्धालु माथा टेकने पहुंचे। माता के दरबार में माता शैलपुत्री की पूजा की गई। माता श्री मनसा देवी श्राइन बोर्ड द्वारा मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं और ई टोकन के माध्यम से श्रद्धालु माता मनसा देवी के दर्शन कर पाएंगे और ऑनलाइन दर्शन की भी सुविधा श्रद्धालुओं के लिए रखी गई है। नवरात्र मेले के लिए पंचकुला पुलिस के 800 जवानों की तैनाती की गई है। मान्यता है कि जो भी सच्चे दिल से माता के दरबार पर आकर मनोकामना मांगता है, माता मनसा देवी उसकी इच्छा पूर्ण करती है। श्रद्धालुओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि वो प्रत्येक वर्ष अपने परिवार के साथ माता मनसा देवी के दरबार में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। नवरात्र पर आप माता मनसा देवी के दरबार पर आए हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया है जी, मैया हर बार बुलाती है, दर्शन करवाती है, आनंद मिलता है सबको, सबको आशीर्वाद भी मिलता है, ये सब मैया की कृपा है, बड़ा आनंद आता है। तो कहते हैं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? बिल्कुल होती है जी, सारी मुरादें पूरी होती हैं, सभी की पूरी होती है, जो दिल से मांगता है, जो नहीं भी मांगता उसकी भी पूरी होती है। तो मैया है, मनसा मैया है, तो मनसा। तो कोविड के बाद अब खुल के जो है दर्शनों के लिए मंदिर खुला है, तो कैसा लग रहा है? कोविड के बाद बिल्कुल बहुत बढ़िया है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी मंदिर भी काफ़ी अच्छा बन चुका है, अब अच्छी सिस्टम है, और क्या कहते हैं, सिक्योरिटी वगैरह सारी है, अच्छी सेवा भाव है सभी का, सब आनंद लेते हैं यहाँ पे आके, सबको मिलता भी है आनंद यहाँ पे आके, ये सब मैया का ही आशीर्वाद है। नवरात्र के पहले दिन मनसा देवी पहुँचे हैं, क्या क्या अच्छा लगता है दर्शन करके? तो पहली बार आए हैं? नहीं, काफ़ी टाइम बाद आए हैं, वैसे तो सेकेंड बार आए हैं। तो क्या मान्यता क्या है यहाँ की? हाँ जी, मान्यता क्या है यहाँ की, क्या श्रद्धालुओं की मान्यता पूरी होती है? हाँ जी, हाँ जी, अच्छी मान्यता है, सर सभी लोग आते हैं यहाँ पे। अकेले आते हैं, पूरे परिवार? नहीं, फैमिली है। देवी के दरबार में सेवा कर रहे पुजारी ने कहा कि आश्विन नवरात्रों का एक अपना ही महत्व है। आश्विन नवरात्रि आज 26 सितंबर से शुरू होकर 4 अक्टूबर तक चलेंगे और इन 9 दिनों में माता के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। अश्विन मास के ये नवरात्रे हैं, आज से प्रतिपदा से ये शुरू हुए हैं। आज जो नवरात्रे हैं, आज प्रतिपदा में माँ शैलपुत्री का नवरात्रा है, जिसमें आज घट स्थापना होती है, लोग मंदिर से आकर के ज्योति लेकर के जाते हैं, जो नौ के नौ दिन यहाँ पे प्रज्वलित करते हैं अपने घर में, और माँ की आराधना करते हैं, और माँ की अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पर आकर के नतमस्तक होते हैं। तो अश्विन नवरात्र आज पहले दिन कौन से रूप की पूजा होती है? आज शैलपुत्री माता का नवरात्रा है, जो मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, और नवदुर्गा में प्रथम जो है शैलपुत्री का नवरात्र। मनसा देवी के दरबार की क्या महत्ता, क्या इतिहास है? माँ जो सती हैं, उनके 52 शक्तिपीठों में माँ सती हैं, और उनके मस्तक का अग्रभाग है ना, अग्रभाग यहाँ पर गिरा, जिसमें 3 पिंडियाँ हैं, बीच में माता मनसा देवी जी हैं, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी साथ में विद्यमान हैं। मन और बुद्धि को देने वाली माता मनसा देवी हैं, हर एक की मनोकामना को पूर्ण करने वाली माता मनसा देवी। पंचकुला से सेंट सोल्जर टाइम्स के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट।